हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में करने वाले एक्सपेरिमेंट वो भी बहुत ही खतरनाक, जैसे कि हम लोग के घर में एलपीजी गैस रहता है, वो अगर गैस सिलेंडर फट जाए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, वहाँ बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया जो कि मैंने एक साल पहले से बनाया था, तो इसमें अगर एलपीजी गैस गुब्बारे के अंदर में भर के अंदर इसके अंदर में डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ रुई और यहाँ पे पेट्रोल इसके अंदर में डाल देंगे, तो यहाँ पे इसको अगर रिमोट कंट्रोल से इसको यहाँ पे आग लगाएंगे, इसमें ब्लास्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना नुकसान होगा, क्या देखने के लिए होगा, इसे यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फ्यूल जो कि एलपीजी गैस इसमें गुब्बारे में भर दिए हैं, अब इस घर के अंदर में एलपीजी गैस को डाल देते हैं, इसमें थोड़ा बहुत रुई भी डाल देते हैं जो कि पेट्रोल रुई के अंदर में अच्छी तरीके से चला जाएगा, और जो कि यहाँ पे पेट्रोल अच्छी तरीके से यहाँ पे रुका रहेगा, तब यहाँ पे पेट्रोल में आग लगेगा, तो यहाँ पे ज्यादा ब्लास्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ज्यादा भयानक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ भी देखने वाले हैं। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सारा स्टेप रेडी है, रिमोट कंट्रोल यहाँ पे रेडी हो चुका है, और यहाँ पे मेरा रिमोट, यहाँ पे रिमोट को ऑन करेंगे और यहाँ पे इसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें यहाँ पे रुई में पेट्रोल डाल देते हैं, यहाँ से मेरे पास पेट्रोल है, यहाँ से मैं पेट्रोल लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट पेट्रोल, इस पहले यहाँ पे छोटा छोटा पेट्रोल देते हैं, ज्यादा दे देंगे तो फिर यहाँ पे ज्यादा आग लग जाएगा, क्योंकि एलपीजी गैस यहाँ पे इसके अंदर में है, एलपीजी गैस से भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होगा। एलपीजी गैस को यहाँ पे देखने वाले हैं कि एलपीजी गैस से यहाँ पे क्या होगा। पेट्रोल तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जरिया है कि इसके अंदर में आग लेके जाना है, कि इसके अंदर में आग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तब यहाँ पे एलपीजी गैस में आग लगेगा। ज्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं, अब यहाँ पे सारा सेटअप रेडी है, यहाँ पे रिमोट को करते हैं ऑन और यहाँ पे इसे 1 2 3 करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ही क्षणों में यहाँ पे इस घर का क्या हाल होता है। सबसे खतरनाक तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगा कि इसके अंदर में जो एलपीजी गैस है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं इसके अंदर में गुब्बारा है जो कि इसके अंदर में एलपीजी गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पे 1 2 3 करते हैं, यहाँ पे सारा सेटअप रेडी है, 1 2 3, अब यहाँ पे आग लगने ही वाला होगा। नैक्रो वायर में आग लगते हैं, यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा सा, नैक्रो वायर में आग लगने ही वाला है, देख सकते हैं वो, माय गॉड, वहाँ पे देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, अब यहाँ पे रेड आउट होने ही वाला होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे वो अभी रेड आउट नहीं हुआ है, वहाँ पे काफी टाइम लगा रहा है, ओ माय गॉड, देख सकते हैं यहाँ पे रेड आउट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पेट्रोल में आग लगता है, उसके बाद रुई में आग लगेगा, उसके बाद वहाँ पे घर के अंदर में आग जाएगा, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे आग नहीं लगा है, ओ माय गॉड, देख सकते हैं यहाँ पे आग लगा और वहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे खतरनाक रिएक्शन हो गया और वहाँ पे आप ब्लास्ट का आवाज हुआ, गुब्बारा जो वहाँ पे ब्लास्ट किया, अब उसका आवाज सुन सकते हैं। अब यहाँ पे इस सिस्टम को हटा देते हैं और यहाँ पे इसे रिमोट को बंद कर देते हैं, नहीं तो वहाँ पे पावर बहुत ही ज्यादा ये लगा है, ओ माय गॉड, देख सकते हैं यहाँ पे आग लगा और वहाँ पे आप ब्लास्ट का आवाज हुआ, गुब्बारा जो वहाँ पे ब्लास्ट किया, ओ माय गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका घर का क्या हाल हो चुका है, पूरी तरह से ये जल रहा है और ये मेरा सालों का मेहनत यहाँ पे बेकार चला गया, यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे मेरा पूरा घर यहाँ पे राख में बदल गया। देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे हीट निकल रहा है और यहाँ पे पूरी तरह से जल रहा है, ओ माय गॉड, देख सकते हैं खतरनाक, यहाँ पे गजब, 1 मिनट भी नहीं से लगा जलने में। अब मैं इसे पास दिखाता हूँ जाके, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ अंदर में जो रुई है और वहाँ पे जो कार्डबोर्ड का है वो वहाँ पे जल रहा है, घर में तुरंत ही आग लग जाता है, वाओ माय गॉड, पेट्रोल ज्यादा चल गया था घर में इसलिए यहाँ पे पेट्रोल ही ज्यादा आग लग गया और वहाँ पे एलपीजी गैस वहाँ पे कम था जो कि तुरंत ही ब्लास्ट कर गया, जैसे ही आग लगा और वहाँ पे बैलून जो था तुरंत ही वो ब्लास्ट कर गया, आग यहाँ पे पूरी तरह से देख सकते हैं एंड हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर में देखते हैं कि क्या बचा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे राख ही राख बचा हुआ है और अभी भी इसमें आग लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ ये है रुई का जो कि मैंने इसमें पेट्रोल लगा के डाला था और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी रुई का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो कि जिसमें पूरी तरह से आग लग रहा है और ये पूरी तरह से खाक बन चुका है और नीचे देख सकते हैं कार्डबोर्ड थोड़ा सा बूढ़ा बचा हुआ है क्योंकि ये सबसे निचला भाग था जिसमें भी ये भी आग लग के ये पूरी तरह से जल चुका है और यहाँ पे ये खाक में बन चुका है, देख सकते हैं ये पूरी घर मेरा यहाँ पे खाक में ढेर हो चुका है। अगर ये लगाएगा कोई एक्सपेरिमेंट अच्छा तो करना लाइक और नीचे रेट करके बटन दबा के करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना और प्रेस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।